भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृहस्पतिवार को लखीमपुर होते हुए नानपारा पहुंचे। यहां पर उनका पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह बृहस्पतिवार को चीले में पहुंचे। नानपारा टोल प्लाजा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। इसके बाद वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए वो बहराइच पहुंचे हैं। उन्होंने किसान क्रांति दल को मजबूत करने की बात कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार हमारे किसानों की कोई बात नहीं मान रही है। ये भी आरोप लगाते हुए कहा है कि समय केवल केंद्र सरकार उद्योगपतियों का ध्यान रख रही है। उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए माफ किए जा रहे हैं और जो किसान अन्नदाता है उनके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि जो अनुशासन में और संगठन का सम्मान करेगा वही संगठन में रहेगा और जो बात नहीं मानेगा तो वो नहीं रहेगा। फिर नवाबगंज कार्यक्रम के लिए प्रस्थान हो गए। इस समय हमारी केंद्र की सरकार एक भी बात किसानों की न मान रही है। न तो किसान आयोग का गठन किया, न किसानों का कर्जा माफ किया और केवल इस समय केंद्र सरकार उद्योगपतियों का ध्यान रख रही है। उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपया माफ किए जाते हैं और किसान जो अन्नदाता है, जो पूरे भारत के मानवों को और पशु पक्षियों को अपनी मेहनत से जिंदा रखता है, अन्न देता है, दाल सब्जी भोजन दूध दही देता है, उसकी कोई नहीं सुन रहा। इसलिए अब हमने भी संकल्प किया है कि भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सबको भारतीय किसान भानु में जोड़कर किसान क्रांति दल में जोड़ दिया जाएगा और जो किसान की बात करेगा अब वही देश पर राज करेगा।